हेलो बच्चों, आज मैं आप सबको ग्रामर के अंतर्गत आने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रोनाउन के बारे में सिखाऊंगी। आज हम प्रोनाउन की परिभाषा सीखेंगे, डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं वो भी सीखेंगे। तो प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। डिफिनेशन, सबसे पहले हम प्रोनाउन का डिफिनेशन हिंदी में सीखेंगे, उसके बाद इंग्लिश में, फिर उसके बाद हम कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं वो जानेंगे। तो परिभाषा है, वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हम इंग्लिश में सीखेंगे। ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और ए प्रेस दैट कंटेन्स ए नाउन कंटेन्स ए नाउन। तो हिंदी में परिभाषा है, वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे प्रोनाउन सर्वनाम कहते हैं। ए वर्ड इंग्लिश में है, ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और ए प्रेस दैट कंटेन्स ए नाउन। इंग्लिश और हिंदी में ये परिभाषा हो गई। अब हम आगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कितने प्रकार के वो जानेंगे। तो प्रोनाउन 7 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ है रिलेटिव प्रोनाउन, फाइव है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सिक्स है इनडिफिनिट प्रोनाउन, इनडिफिनिट प्रोनाउन, सेवन है डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ये 7 प्रकार के प्रोनाउन हो गए। अब हिंदी में इसे क्या कहते हैं वो भी आप जान लो। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक,
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक। इनडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। इनडिफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन बिट्टू है वैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। विभाग बोधक सर्वनाम विभाग वी भाग बोधक सर्वनाम विभाग बोधक सर्वनाम। तो ये हमारे ये हो गए हमारे प्रोनाउन। प्रोनाउन थोड़ा बड़ा है तो इसे थोड़ा आप ध्यान से पढ़ना जिससे ये भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके डिफिनेशन डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन डिफिनेशन भी हमने सीखा और कितने प्रकार के प्रोनाउन होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, पूरा लिख के अच्छे से समझा दिया है हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से।